ये है हमारा पैतृक मकान। वो भी तो है, है? वो भी तो यही सबसे पुराना मकान यही। हाँ चची, मकान कितने साल पुराना है लगभग? अरे बाबा के जाने के बाबा से तो कितने साल पुराना होगा लगभग? 100-150 साल पुराना होगा, 2 साल से कम नहीं है। 200 साल? 200 साल पुराना है। तो इसमें हमारे बाबा, बाकी सारे भाई, अच्छा बाबा के पिताजी भी इसी मकान में रहते थे। अच्छा, कितने भाई आप लोग इस मकान में रहते थे? कितने भाई इस मकान में रहते थे? अरे तो बाद में बंटवारा हुआ तो हम दो भाई इसमें रहे, लेकिन मैं पिताजी के दो भाई। अच्छा, पिता रामदयाल। अच्छा, दो इसमें रहने लगे, बाकी पगल उधर चले गए, पगल बाबा उधर चले गए, जहाँ सिंगर रात है। हाँ, और बाकी बगल में चले गए उधर। अच्छा, चलो नहीं, बहुत पुराना मकान है। फिर हमारे बाबा के वलीन रहे। हाँ, बहुत पुराना मकान है। अच्छा, कभी हम तो हम तक पानी सीधे खुला रहता, इनका बंद हुआ इनका मकान बोला तो सीधे पानी भर रहा होता, सीधे पानी भर रहा होता। कुआं जो है आपके मकान के जस्ट सामने रहा है, पहले सामने रहा है, उसके बाद फिर लोग छेकिन ऐसे घूम के जाने लगे ना। हाँ, तब फिर ये मकान ये साइड वाला बना। अच्छा, तब ये मकान साइड वाला बना और गेट तब ये बाहर के लिए लगाया गया। ये गेट हमारा आलीशान बाहर के लिए लगाया गया, बड़ा सा ये पुराना नया मकान बना। ये है हमारा पुराना मकान, ये है पुराना मकान। भाई वीडियो कॉलिंग में घर बना रहे हैं, आर्किटेक्ट वीडियोग्राफी बना रहे हैं, जा रहे हैं पकड़ गए हैं सब लोन में। हाँ, ऐसे पट बना रहे हो? ऐसे चलो पूरा तुम पट ही बना दो, वैसे ही बनाओ एक ही डायरेक्शन में, ऐसे हम ना वैसे हम बैठो बैठो। ले जाओ झूला उठा ले, नहीं तुम लोग यहीं रुको, दो चार दिन झूल जाके आना अच्छे से। आओ अंदर के ले आओ। ये अंदर अंदर सीधे कैली टाइप है ना, तो ना? हाँ मुझे पता है अंदर सीधी है, अंदर जगह उधर भी आना। ये है हमारा सबसे पुराना मकान जहाँ हम बचपन में खेलते थे, अभी भी लकड़ियों की छत है। यहाँ कंडे लगे हैं, लेकिन ये पहले यहाँ भूसा भरा रहता था। और ये है हमारा पुराना मकान, अभी मैं ये है कोठरी जहाँ पे कोई लाइट नहीं है, अभी पहले भी अंधेरा रहता था। यहाँ बक्सा रखा रहता था, वो बक्सा आज भी रखा है, ये भी लकड़ियों का बना है पूरा, बक्से का डायरेक्शन चेंज है। बाकी ये है हमारी गैली जहाँ खेलते थे हम लोग दिल्ली ली उछाल करके। ये है हमारा पुराना मकान जो आज भी वैसा ही बना है। अब पहुँच गए भीतर वाले आंगन में। यहाँ पहले घनौची होती थी जिसे बाथरूम बोलते हैं, और वो थोड़ा परिवर्तित हुआ है। ये आंगन है हमारे मकान का, पुराने मकान का। और ये कड़ाहे रखे हैं जिनमें गुड़ बनाया जाता था, गुड़ वाले कड़ाहे हैं। पुराना मकान है,
ये लकड़ियां रखी हैं और रखे हैं पुराने हैं पानी भरने वाले। हाँ ये पुराने वाले, पहले इनमें पानी भरा जाता था, अब इनका यूज नहीं होता। ये पुराने आइटम है जिनमें पानी ठंडाने के लिए रखा जाता था, आजकल वो संभाल करके रख दिए गए हैं। और ये बरसों पुरानी साइकिल है, ये बरसों पुरानी साइकिल है या, और ये है पुरानी कोठरिया, ये हमारी है कोठरी, ये कोठरी है, यहाँ पे गेहूँ यहूँ सब कुछ भरा जाता था। ये सब मोटी मोटी मिट्टी की दीवारें बनी हैं और ये बहुत बड़ी कोठरी है, और दीवार में एक स्पेशली अलमारी बनाई जाती थी जिसमें घी तेल और जो मालिक होती थी मालकिन, वो उसके अंदर घी तेल और मलाई वाले आइटम रखती थी और उसमें ताला लगा होता था। हाँ वो अभी भी केतली रखी है, ये आज भी दीवानों की बनी हुई है। ये बक्से अक्से ये सब हमारी लकड़ियों की छतें हैं। और ये है हमारा पुराना मकान, इतना अच्छा आलीशान, जो आज तक 200 सालों से वैसा ही बनाए है। ये हमारी चक्की, जब घर में जो है पहले आटा खुद यहीं पे पीसा जाता था, ओखली थी कहीं पे, ओखली में जो है धान कूटे जाते थे, और एक आंगन के बाद एक फिर ये पार्ट आता है हमारा, और ये ओखली होती थी पहले, आज ओखली का महत्व ख़त्म हो गया है। और ये अलमारी जिसमें रोटी वोटी बना के रख दी जाती थी दीवालों में ऐसे करके, ताकि जो आए, आज भी उसमें एक घड़ा रखा है। और ये छतें हमारी सब जगह लकड़ियों की बनी होती थी, ये सारी छतें। इसके अंदर एक और कोठरी है, और ये कोठरी भी जिसमें जिसकी भी नई शादी होती थी या कोई बच्चा पैदा होता था तो वो इस कोठरी में रहता था। आज वो कोठरी वैसी है लेकिन मेंटेन है। ये था हमारा पुराना घर, पहले इस तरीके के झुब्बे चला करते थे, टोकरियाँ, वो आज भी यहाँ टंगी हैं। ये है हमारा पुराना मकान।